killed. चलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीक्स में आपको खुश आमदीद। तो जनाब, कदापी स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट आपकी खिदमत में हाजिर है। रात के औकात में क्या कुछ हो रहा है उस सारे मामले पे जो है मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गुलाम मुर्तजा भी मौजूद हैं। कजाफी स्टेडियम को वो कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो दौरा करेंगे और दौरा करके जो है वो कजाफी स्टेडियम के रेनोवेशन के हवाले से बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। मुर्तजा, पहले तो ये बताएँ कि ये मार्केट में अफवाहें जो फैली हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, वो तो हम बाद में बताते हैं, लेकिन ये रात के टाइम पर कजाफी स्टेडियम का व्यू है, मुझे तो बड़ा शानदार लग रहा है। आप बताएं ज़रा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये फाइनल हो जाएगा तब इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। और ये खुशाइन बात है कि जब से ये काम शुरू हुआ है तो 24 घंटे काम मुसलसल किया जा रहा है, ना दिन के औकात में किसी टाइम पर रेस्ट किया जाता है और ना रात के औकात में, और 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। और ये आप जो दिखा रहे हैं अपने, अगर दूसरी साइड से आप दिखाएँ तो ये राजा रमीज राजा इंक्लोजर से, और यहाँ पे प्री कास्ट जो सीढ़ियाँ हैं वो लगा दी गई हैं। इसके ऊपर सिर्फ चेयर्स लगानी अभी बाकी है, तो इसके साथ जितने भी इंक्लोजर्स हैं स्टिल वहाँ तक मेन बिल्डिंग तक, तो वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। और दूसरी साइड का जो काम है वो भी चंद दिनों में शुरू हो जाएगा, तो काम की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है। उम्मीद कर रहे हैं कि टाइम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और स्टेडियम की लुक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त निकलेगी। तो ये रात के टाइम भी काम हो रहा है आपको दिखा रहे हैं, और इसकी इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं तो वो रेनोवेट हो रहे हैं। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान के स्टेडियम बहुत पीछे रह चुके थे, लेकिन इसकी रेनोवेशन हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है, तो उससे ये पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इंटरनेशनल टीमें जो आएंगी तो उनको भी बहुत ज़्यादा इससे उनको खुशी भी होगी, और ख़ासकर जो शायकीन है तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम पहले देखते थे कि ये रमीज राजा इंक्लोजर्स की बात की जाए तो काफ़ी पीछे तक कुर्सियाँ थी और काफ़ी डेप्थ में चला जाता था, व्यू बेहतर नहीं होता था, शायकीन का शिकवा होता था कि काफ़ी दूर से मैच देखते हैं, बीच में एक जंगला आ जाता था। लेकिन अभी क्योंकि जंगला भी ख़त्म कर दिया गया है और स्टेडियम के ग्राउंड के बिल्कुल करीब इंक्लोजर्स आ चुके हैं, व्यू बहुत बेहतर हो जाएगा, तो शायकीन जो है वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी तमाम तर जो उसके मैचेज हैं वो पाकिस्तान में होंगे और ये तमाम जो स्टेडियम है वो चैम्पियन ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो अपग्रेडेशन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और जिस तरह काम की रफ्तार है तो अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम 15 दिन आगे चल रहे हैं। तो 15 दिन आगे चलने का मतलब यही है कि दिसंबर के मिड में या 20 दिसंबर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन जो डेडलाइन दी गई है वो 31 दिसंबर है। दिन रात काम जारी है 3 शिफ्टों में, और रात के मनाजे भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा मुझसे, हम काफ़ी शायकीन जो है ना फैंस वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये जो इंक्लोजर बनाने का जो प्लान है पीसीबी का कि व्यू अच्छा बना आएंगे, तो उस व्यू के वाले में से हम अपने ज़रा व्यूअर्स को बताएं आपके मुताबिक, क्योंकि हम इस वक्त कजाफी स्टेडियम के अंदर खड़े हैं, ये जो है ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, ये ट्रेंच है, ठीक है, अगर मैं ये आप देखें ये ट्रेंच है और साथ ही बिल्कुल ये जो है इंक्लोजर्स हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो पहली लाइन है यहाँ से लेके तकरीबन अगर ये बाउंड्री लाइन है कि जहाँ पे मुर्तजा के पांव हैं, यहाँ पे अगर फील्डर खड़ा होगा तो ये बिल्कुल करीब जो है ना ये देखो शायकीन यहाँ पे फर्ज करें, ये मुर्तजा नहीं है, ये फील्डर है, ये फील्डर बाउंड्री लाइन पे खड़ा होगा जो फील्डिंग कर रहा है बाउंड्री लाइन पे, और ये बिल्कुल ओए यार लवली लवली। जो व्यू की बात की जाती थी कि पाकिस्तान के स्टेडियम से व्यू बेहतर नहीं है, तो जैसे वो स्टेडियम के अंदर आएंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा ऐसा लगता है। क्योंकि हम पहले भी कजाफी स्टेडियम में आते थे तो व्यू इतना बेहतर नहीं लगता था, ऐसे लगता था कजाफी स्टेडियम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि फील उसकी ऐसी आती थी, दूर दूर इंक्लोजर्स बने हुए थे, सीटें दूर थी, तो हमें भी कन्फ्यूजन होती थी कि यार इतनी दूर से कैसे वो नज़र आएगा। तो अब ये बनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल का स्टेडियम बन गया है, जो फुटबॉल के स्टेडियम नॉर्मली हम देखते हैं कि ऊंचाई में होते हैं, वहाँ पे जो बैठे शायकीन है उनको ग्राउंड बहुत क्लियर नज़र आता है।